तो भाई आज से पहले आप लोगों ने ग्लू वॉल की टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप लोग आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आप लोगों को ग्लू वॉल लगाना बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ हाईलाइट दिखाने वाला हूँ, इन हाईलाइट्स को आप लोगों को पूरा देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्लू वॉल टिप्स एंड ट्रिक। गाइस आप लोगों को ग्लू वॉल से जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, लेकिन गाइस आप लोगों को मैं यहां पर एक चीज और देने वाला हूं, वो है आप लोगों को ढेर सारी विशेष। तो मेरी तरफ से हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों के लिए दीपावली की तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो दीपावली है बहुत ही ज्यादा मंगलमय जाए, आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए और आप लोगों का दिन है वो बहुत ही अच्छा बीते। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज जो दीपावली है उसके अवसर पर मैं आपको कुछ गिफ्ट और देना चाहता हूं। तो जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो तुम सभी को मिलेंगे फ्री में 500 डायमंड। अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि फेक गिव अवे, तो मेरे भाई देखो ना तो मैं तुमसे कोई पैसे वैसे मांगता हूं, ना ही मैं तुमसे कोई तुम्हारे आईडी पासवर्ड मांगता हूं। आप लोग वीडियो तो वैसे भी देख रहे हो, मैं बस आपसे इतना बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल दो। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर के टॉपिक के बारे में बात। देखो आप में से 90% बंदों को ये नहीं पता है कि हम ग्लू वॉल के अंदर पैक किस तरीके से हैं और उससे बाहर किस तरीके से निकलेंगे। आप लोगों को पैक होना और ग्लू वॉल से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा और बहुत ही इजी स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोग ग्लू वॉल के अंदर किस तरीके से पैक हो सकते हो, साथ में आप लोग को ग्लू वॉल के अंदर से किस तरीके से निकलना है। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं क्लिप लगा रहा हूँ, ठीक है। इस क्लिप को मैंने पूरा को पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप ये होता है कि आप लोगों को सबसे पहले एक ग्लू वॉल लगा देखो, जो आप लोगों ने पहली ग्लू वॉल लगाई उस पहली ग्लू वॉल का जो कॉर्नर होता है उसी जगह पर आप लोगों को अपनी सेकंड ग्लू वॉल होती है वो लगानी होती है। आप लोगों ने जो पहली ग्लू वॉल लगाई थी उसका यहाँ पर आपको कॉर्नर पे दूसरी ग्लू वॉल लगा देनी है। यहाँ पर आप लोगों की लग गई दो ग्लू वॉल, अब यहाँ पर आपको दूसरी ग्लू वॉल का जो कॉर्नर होता है उस जगह पर आप लोगों को तीसरी ग्लू वॉल लगा देनी है। आप लोग ग्लू वॉल के अंदर पैक हो जाओगे सेफ। तो अगर आप लोगों में कोई एनिमी डैमेज देता है तो उस टाइम पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तीन ग्लू वॉल ही यूज करनी है, ठीक है। तीन ग्लू वॉल जैसे ही आप लगाओगे तो आप लोग ग्लू वॉल के अंदर पैक हो जाओगे। अभी हम बात करते हैं कि आप लोग ग्लू वॉल के अंदर पैक हो गए, आप लोगों ने मेडिकेट लगा ली, तो उसके बाद आप लोगों को इसे बाहर किस तरीके से निकलना है। देखो अगर आप लोगों को अपनी ग्लू वॉल तोड़नी है पर आप लोगों को ग्लू वॉल से बाहर निकलना है तो उस टाइम पे आप लोगों को सिंपल से स्टेप फॉलो करने की जिधर की साइड से भी आप निकलना चाहते हो, जैसे अगर आप लोग सामने से निकलना चाहते हो तो अपने पीछे की साइड आप लोगों को तीन चार ग्लू वॉल डाल देनी है, और अगर आप लोग पीछे की साइड से बाहर निकलना चाहते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को आगे की साइड तीन चार ग्लू वॉल डाल देनी है। आप लोग इजी पीजी ग्लू वॉल से बाहर निकल जाओगे। ये तो आप लोगों का पहला ट्यूटोरियल। अभी हम बात करते हैं सेकंड ट्यूटोरियल के बारे में बात, कि आप लोग अपने एनिमी को किस तरीके से कंफ्यूज कर सकते हो बवंडर ग्लू वॉल के जरिए, आप लोगों को बवंडर ग्लू वॉल किस तरीके से लगानी है। चलो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये ग्लू वॉल किस तरीके से लगती है। जैसा गाइस आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड में गेम प्ले देख पा रहे हो, मैं इसी ग्लू वॉल को लगाने की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके से ग्लू वॉल लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को भी इस तरीके से ग्लू वॉल लगानी है पर एनिमी को कंफ्यूज करना है तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ चार स्टेप फॉलो करने, और चारों स्टेप मैं आपको ऐसे समझा दूंगा जो कि आप लोग कभी लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। तो अभी यहाँ पर मैं आपको चार स्टेप समझाने वाला हूँ कि इस तरीके से ग्लू वॉल डालने के लिए आपको चार स्टेप कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आप लोगों को रन करना है। रन करने के बाद आप लोगों को ग्लू वॉल अपने हाथ में लेनी है और अपना जो फायर वाला बटन होता है उस पर आपको टैप करते रहना है बार बार। देखो पहला स्टेप है कि आप लोगों को रन करना है, दूसरा स्टेप है कि आप लोगों को अपने हाथ में ग्लू वॉल लेनी है, तीसरा स्टेप है कि आप लोगों को अपने फायर वाले बटन पर लगातार बार बार टैप करते रहना है, चौथा स्टेप है कि आप लोगों को जो अपनी स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से घुमानी है जिससे कि आप लोग चारों तरफ ग्लू वॉल लगा सको, एनिमी पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाए। तो चलो अभी हम बात करने वाले कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात, जिनको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको इसी लेके जड़ तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो इसके बदले में बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। ये बात तुम सभी को पता है कि यार देखो ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे। अब यार देखो मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो आपको लाइक वाला बटन भी दिख जाएगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी दिख जाएगा, तो सिंपली बस आपको उन पर प्रेस करना है और इसमें कोई मेहनत का काम है। तो अगर
हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से दबा देना। चलो गाइस अभी हम बात करते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो देखो जब भी आप लोग कोई भी मैच खेलते हो उस टाइम पे आप लोग को वहां पर या तो लॉबी दी जाती है, यहाँ पर वहां पर कुछ ऐसे रेड कलर का जो यहाँ पर दिख रहा है आपको सर्कल सा ये दिया जाता है, यानी आप लोग का ये 30 सेकंड का होता है, फिर 40 सेकंड का होता है, कई कई बार 1 मिनट का भी होता है। ये चीज फ्री फायर के अंदर इसलिए दी जाती है क्योंकि आप लोग गेम से पहले इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, तो आप लोगों को वहां पर खड़े नहीं रहना। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो बन टैप की या फिर आप लोग को फास्ट ग्लू बॉल लगानी है तो आप लोग ये चीजें उसमें ट्राई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आपको जो 10-15 सेकंड का टाइम दिया जाता है वहां पर एक बार मेरे कहने से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग देखना कि आप लोग का जो गेम प्ले वो नेक्स्ट लेवल का इंप्रूव हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे, तो आज की इस वीडियो के जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी जहां पर मैंने आपको बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2000 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। अब आप लोग उस वीडियो को देखो, उससे पहले मैं तुम सभी से देखो और वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार एक वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेरे भाई अगर आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को जाके आज की वीडियो शेयर जरूर से जरूर कर देना।